जी रोहित जी, क्या ये कहाँ पहुँच गए हैं? ये सेक्चुअली का टोम टमरारा टमरा टोम्ब टोम्बो टोम्बो नहीं यार, टोम पे पहुँच गए, शेख चिल्ली के टोम पे पहुँच गए गाइस। ये देखिए पीछे आपको दिखा दें, चलो वहाँ से टिकट मिलेगी पीछे से। शेख चिल्ली के मकबरे में पहुँच चुके हैं, टिकट लिए हैं यहाँ से। ये देखिए स्कैनर लगा हुआ है, ऑनलाइन सिस्टम है यहाँ पे टिकट का। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं एक बार, ये लिख रखा है शेख चिल्ली टॉम्ब, शेख चिल्ली का मकबरा। ये पढ़ लिया ना आप गाइस, अपने आप एंट्री है यहाँ से गाइस इसकी। यहाँ से जाएंगे अब, देखते हैं अंदर क्या मिलेगा। क्या है भाई? वाओ, दिस इज वेरी वेरी फैंटास्टिक। ये एंट्री हो गई है, हो चुकी है यहाँ से। सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं बड़ी कमाल की। सीधा ऊपर बादलों में जाएंगे। हैं? बादलों में जाएंगे। बादलों में जाएंगे। ओए ओए। वाओ गाइस, देखे कितना अच्छा व्यू है। ये देखिए, ये देखिए गाइस, ऊपर भी हैं। काफी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ देखने के लिए। गाइस यहाँ पे है पुरातत्व संग्रहालय, अंदर लेके चलते हैं आपको, देखते हैं इसमें क्या है। ये देखिए, आप ये देखिए, टच डोंट टच बोल रहे हैं रोहित जी, बाकी तो कुछ नहीं बोला वैसे। कितना देखिए अंगूठी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही पुराने टाइम की। इसको डाल के बहुत ही मजा आ जाएगा गाइस। ये पानी का प्याला है, पानी का प्याला दिखा दे। इधर देख लो आप गाइस, यहाँ पर आपको मटकियां छोटी छोटी देखने के लिए मिल जाएंगी। उसके बाद ये ठुठियां हैं इसके ऊपर रखने के लिए, ये देख लीजिए आप। उसके बाद आपको यहाँ पे ये क्या है, ये कुछ उस टाइप की है, वो है तो छोटा सा घड़ा ही, लेकिन उसमें पानी निकलने का भी आपको हमने दिखा दिया है। यहाँ पे गाइस ये टूट चुके हैं सारे के सारे। यहाँ पे आप देखिए इसके टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े जो है यहाँ पे रखे हुए हैं अभी तक संभाल के। ये बहुत ही जो है पुराने टाइम की जो वस्तुएं हैं, आपको अभी जो हम दिखाने जा रहे हैं उससे आप देख के दंग रह जाएंगे। ये शेख चिल्ली जी हैं, यहाँ पे आप उनको देख सकते हो, इनका मकबरा है ये गाइस। उसके बाद आपको ये हथियार जो आप देख रहे हो, युद्ध लड़ाई तलवारें, मुगल काल की तलवारें हैं, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, महाभारत की, मुगल काल लिखा हुआ है, मुगल काल की है गाइस। ये देखिए यहाँ पे ये टूट चुकी हैं, इनके चेहरे हमें पहचान में नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनके चेहरे है ही नहीं है यहाँ पर। तो आप चमचे रखे हैं, कुंडी सोटा, ये छोटे चमचे जो है बच्चे बचपन में खेलते थे बना बना के, उसी प्रकार से है। ये देखिए यहाँ पे ये बहुत पुराना पत्थर रखा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे चुगड़ा टाइप है कुछ, ये ना गुल्लक था पुराने टाइम का जो हाथी वाला बना रखा। ऊपर देखिए यहाँ पैसे डलते थे इसमें। ये देखिए गाइस बहुत ही बढ़िया तरीके, बहुत पुराने पुराने चीजें हैं। ये देखिए संगमरमर का पत्थर है, ये संगमरमर के पत्थर नहीं है, ये संगमरमर का पत्थर है जिससे बनी हुई है सारी। नहीं 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 वही पत्थर है, पता नहीं गाइस पत्थर कौन सा है, आपको बता देंगे पूछ के। आपको बाहर का भी दिखा देते हैं क्या हाल चाल है। ये देखिए बाहर से कितना ये खूबसूरत देखने में लग रहा है, मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अभी धूप थी, छाँव हो गई है, बादल होए पड़े हैं ऊपर, देख सकते हैं आप। ये देखिए गाइस हम ऊपर आ चुके हैं, नीचे ये नीचे देख रहे हैं, जहाँ मंदिर गए थे वो आपको दिखाया था। तो गुफा का जिक्र किया है, यह है वो गुफा है जो कि यहाँ से कुरुक्षेत्रा शेख चिल्ली के मकबरे से लेकर दिल्ली में जाके जो है निकलती है। ये वो गुफा है, इसका इस्तेमाल पुराने टाइमों में किया जाता था। ये देखिए ये भी मकबरा है गाइस, बहुत ही अच्छा यहाँ पे व्यू है। आप हाँ जी रोहित जी बताओ फिर कैसा लगा शेख चिल्ली का मकबरा? पीछे जो इमारत है ना, ये नहीं लगा कैसा आपको? ये अच्छा लगा, ये है इमारत के बारे में क्या बता रहे हो, बताओ फिर। ये काफी बताओ इमारत के बारे में। ये संगमरमर के पत्थर की बनी हुई है, संगमरमर के पत्थर की बनी हुई है। ये 1919 में बनी थी, 1919 में। हाँ जी अच्छा, और उससे पहले 1854 में बनी थी, 1854 में बन के 1919 में इसकी रिपेयर भी हुई है दोबारा। 1919 में इसकी रिपेयर हुई है, और 1854 में बनी थी गाइस ये कह रहे हैं, और 1919 में इसकी जो है रिपेयर दोबारा से की गई थी। अब यहाँ से हम नीचे जाएंगे गाइस, उधर से ऊपर आए थे, यहाँ से अब नीचे जाएंगे, दिखा देते हैं आपको। बाहर से तो बहुत टाइम लगेगा गाइस। हमको यहाँ पे एक बहुत ही गुफा मिली है, बहुत पुरानी है, देखो ऊपर से
पुरानी इंटों का बना हुआ है, बहुत पुराने समय का। ये देखिए एक गुफा मिली है, बहुत अंदर तक जा रही है, बाकी पता नहीं अंदर कुछ भी हो सकता है, हमें तो पता नहीं, जाके देख लेते हैं। ये देखो क्या है, यहाँ तो कबूतर नाच रहे हैं, यहाँ तो अंधेरा है गाइस, अंधेरा है, आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही, बहुत ही लंबी है, देखे इतनी दूर से आ गए, हम तो वापस हो रहे हैं, फिर कभी देख लेना आप अपने आप आके, हमारी तो हिम्मत हो नहीं रही जाने की। बाहर से बाकी आपको दिखा देते हैं, और कुछ बाहर को चलें। हाँ जी, हाँ जी, बाहर चलते हैं। चलते हैं, बाहर देखते हैं। कैसे चलते हैं? शानदार तरीके से चलते हैं। दोबारा यहीं से जाना पड़ेगा? हाँ यहीं से आए थे? नहीं यार, आ जाओ, आ जाओ। ये देखिएगा यहाँ पे सही नहीं आएगा। है? आ जाओ, आ जाओ। ये देखिएगा रहे, शाम का टाइम हो गया ना, तो काफ़ी लोग आ जाते हैं इस टाइम यहाँ पे घूमने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है। इधर इनके घर हैं, ये तो पीछे देख सकते हैं, इनके घर हैं, ये तो यहीं से देख लेते हैं हर रोज़ उसको। गाइस शाम को यहाँ पे सारे आ गए हैं, इधर ये कबूतर वगैरह हैं इसमें काफ़ी सारे, जितने भी हैं सुराख आपको दिख रहे हैं ना गड्ढे, इसमें चिड़ियों ने अपने घर बना रखे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ताऊ जी हमें मिले हैं बैठे हुए, इनसे पूछते हैं कुछ यहाँ के बारे में, इनसे जानकारी लेते हैं, मेरे को लगता है ताऊ लोकल हैं यहाँ पे, इनसे पूछ लेते हैं यहाँ के बारे में। ताऊ जी राम राम। राम राम। आप यहीं के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले हो? समझ लिया, यहीं पे रहते हो आप? यहीं रहते हो? गाइस ताऊ जी को हमारी समझ नहीं आ रही है, तो चलो किसी और से पूछते हैं। टाइम पूछ रहे हैं, चार बज गए हैं। चलो आपको दिखाते हैं, जो बाबा जी बैठे थे इनको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, शायद लैंग्वेज इशू है, ये नहीं पता क्या है। ये देखिए गाइस यहाँ पे गुफाएं बना रखी हैं, छोटे छोटे कमरे से आए, तो मेरे को तबेले लग रहे हैं, जैसे घोड़ों के तबेले होते थे ना, उस टाइप के लग रहे हैं। देखना सीढ़ियाँ, देख क्या जबरदस्त रास्ता है ये देखिए, बहुत खतरनाक रास्ते से चढ़ रहे हैं। गिर मत जाना रोहित जी, आप गिर मत जाना। पहुंच चुके हो, अब हमें भी थोड़ा सहारा देना पड़ेगा आपको, हाथ पकड़ के, कभी यहाँ पर गिर मत जाए। फाइनली चढ़ गए हैं। हाँ जी, गुफा दिल्ली जाती है सीधी। कौन सी है गुफा दिल्ली वाली? ये है दोस्तों गाइस गुफा जो दिल्ली जाती है सीधी। बड़ी मुश्किल से आए हैं गाइस यहाँ पे, इधर से चढ़ के आए, नीचे से भी रास्ता था, लेकिन पीछे का आपको दिखा दिया, अंदर का भी दिखा दिया, ऊपर जाके भी दिखा दिया, अब पीछे आए हैं। ये खुली जगह है पूरी, पीछे पीछे वो दरगाह बनी हुई है, पीछे जो आप देख रहे हो ये ए, ए, ये वाली, तो इधर से ये सारा व्यू खुला है यहाँ पे। चलो अब इधर का दिखा देते हैं आपको गाइस, ये दरगाह बनी हुई है शेख चिल्ली के मकबरे की, बाकी देखना पड़ेगा ये है किन की है, यहाँ पे बोर्ड लग तो रखा है, बाकी देख लेते हैं एक बार जाके, ऐसे ही चढ़ जाएं हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख, ये लिखा हुआ है ख्वाजा कुतुबा, ये कितना अच्छा व्यू है सारा। ये हम बैक साइड खड़े हैं, इसकी फ्रंट अगली साइड है, हम बैक साइड पे खड़े हैं, ये पूरा मकबरा है गाइस। देखिए कितनी दूर आ गए हम पीछे, यहाँ पे इसके पिछली बैक साइड पे जो है गांव है, देखो कितना अच्छा है, बहुत सारे घर आपको दिखाई दे रहे हैं पीछे, वो बहुत सारे घर हैं, और यहाँ के गांव के लोग पीछे से यहाँ पे आ जाते हैं, देखो इधर क्रिकेट खेल रहे हैं आप देख सकते हो, बारिश आ गया पीछे, वो बारिश का मौसम हो गया गाइस। बाकी मिलते हैं आपको, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। धन्यवाद।